हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विकास कार्यों और राजनीति कर रही केंद्र सरकार, राहुल रायबरेली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार विकास कार्यों और राजनीति कर रही है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर ध्यान देने के बजाय उन्हें और रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अमेठी और हमने एफएम रेडियो स्टेशन का शिलान्यास किया था, अब स्मृति ईरानी इसका उद्घाटन करने आ रही हैं, लेकिन इस पर चुप ना बैठकर आवाज उठाएंगे। अमेठी और राहुल ने व्यापारियों से बातचीत और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जीएसटी को लचीला बनाएंगे। अमेठी संसदीय क्षेत्र के 3 दिनीय दौरे पर आए राहुल गांधी तिलोई विधानसभा क्षेत्र के मोहनगंज कस्बे और मीडिया से बातचीत और राहुल ने कहा कि 3 साल के कार्यकाल और मोदी सरकार विकास के मोर्चे पर विफल रही है। हमने अमेठी और रायबरेली के विकास के लिए ठहरी परियोजनाएं शुरू की थी जिसे और अब केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। नई रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू नहीं हो सका है। तिलोई और 200 बेड के अस्पताल के कार्य और रोड़े अटकाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश और ठहरी 1000 युवा प्रति घंटे रोजगार की तलाश और बाहर निकलते हैं, लेकिन मोदी सरकार 450 युवाओं को ही काम दे पा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री को मेरी सलाह है कि सरकार के बचे समय और युवाओं को रोजगार दिलाने और कृषि व्यवस्था को ठीक करने का काम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी के लिए हमेशा विकास का सपना सोचा है, आगे भी यहां का विकास तेजी से कराया जाएगा। रोड़े अटकाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर अमेठी के मुंशीगंज के वीवीआईपी गेस्ट हाउस और व्यापारियों व चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बैठक और राहुल गांधी ने कहा कि व्यापारियों की समस्या दूर हो और जीएसटी को लचीला बनाया जाए, इसलिए वह इस मुद्दे को सदन और उठाएंगे। भविष्य और कांग्रेस की सरकार बनने पर जीएसटी को लचीला बनाने के साथ उसकी दरें भी कुछ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो साल दो साल और छोटे व्यापारी आत्महत्या करने को मजसमूर होंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।